जिंदाना दे दर नहीं खुलते, हनुआ हावा नाल एते सजना खुलन गे लोहे दिया बावन। हबीब जालिब के आज भी लाखों मदह मौजूद हैं और इन मदहों में एक नुमाया नाम है एतराज एहसन का। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पाबंद सिलासिल सदर को जालिब का कलाम अजबर है और वो अक्सर जालिब के अशार को हवाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जालिब ने कहा कि मौत मांगो रिहाई न मांगो दोस्तों, जग हसाई न मांगो। वतन अजीज में जब जब मीडिया पर पाबंदियाँ लगी, जुबान बंदी की गई, जालिब ने आवाम के शाना बशाना अपना किरदार अदा किया। जालिब को कई बार पाबंद सिलासिल किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सड़कों पर धकेला गया। ये गम है मिला इस गम को नया क्या लिखना क्या लिखना। सुन्नत को दिया सुन्नत को दिया हर सर को सदा बंदे को खुदा क्या लिखना क्या लिखना। जालब बगावत लिखते ही नहीं बगावत करते भी थे। सरकारी टीवी पर उनका कलाम बैन हुआ, पासपोर्ट 32 बरस जब्त रहा। जब तक एतराज हसन जैसे परवाने और दीवाने जिंदा हैं, आजादी ये सहाफत की जिदोजहद भी जारी रहेगी और इस जिदोजहद में जालब के कदमों की चाप भी सुनाई देती रहेगी। खबर नीम हाशमी, जियो न्यूज, लाहौर। जालब भी कहता है सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, हक कैसे जीने पर ये भी कोई जीना है। दोस्तों को पहचानो, दुश्मनों को पहचानो, 10 करोड़ इंसानों। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो की नजरबंदी और कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची